हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो ब्रेकफास्ट हो चुका है हमारा, सब काम खत्म हो गया है। सो फ्री थी मैं आज, तो मैंने कहा चलिए जो सब्जियां कल लेके आए मेरे अभी रात आफ्टरनून में, सब मैंने ऐसे ही रख दिया था बिकॉज चिकन बनाया था, उस काम में बिजी थी। उसके बाद इन लॉज के पास चली गई थी तो सब मैंने ऐसे ही रख दिया था। तो अभी बस सब्जी निकाल के साइड में रखा है, क्लीनिंग करके उनको भी प्रॉपरली सेट कर देती हूँ, वरना ना फ्रेश बड़ा मैसी लगता है और फिर चीज़ें खराब हो जाती हैं अगर रख के भूल जाओ, और फिर आलस आएगा तो और मुझसे काम नहीं होता है। तो इससे बेटर है आज कुछ काम नहीं है, तो मैंने कहा चलो ये क्लीनिंग का पार्ट ख़त्म कर लेते हैं ताकि सब चीज़ सेट हो जाए और ख़राब भी ना हो। तो ये देखिए मेरी सब पीड़ी धनिया क्लीन हो चुकी है। मैं हमेशा पेपर बिछा के क्लीनिंग करती हूँ ताकि ना वो कुकटॉप गंदा नहीं होता है ज़्यादा, बस पेपर हटा दो पूरा क्लीन हो गया, कपड़े से साफ कर दो। एंड ये मेरा धनिया काम ख़त्म हो चुका है, अब मैं उसको फ्रीज कर दूंगी। ऐसे लॉन्ग लास्टिंग रहती है धनिया, जल्दी ख़राब नहीं होती है। और देखिए फिर से मेथी मेरे घर में आएगी है तो जी हाँ, मेथी तो मतलब मेरे यहाँ हमेशा आती रहती है, बस इसको भी क्लीन कर लेती हूँ। एक फ़ायदा होता है ना पहले से क्लीन करके रखो, तो जब बनाना है तो आपको सिर्फ क्विकली धोना है, कट करना है। हेलो, देखा आर्या कैसे, मतलब मैं उसको ऐसे बिजी रखती हूँ जब मुझे उसको फ़ोन नहीं देना होता है, क्योंकि हर टाइम फ़ोन इज़ नॉट गुड फॉर हर, उसकी आईज़ के लिए भी अच्छा नहीं है। तो मैं ट्राई करती हूँ, अदरवाइज़ मैं अगर हॉल में बैठ के मेथी साफ़ कर रही होती तो मेरे साथ मेथी साफ़ कराती, तो वो साफ़ कम करती है, फैलाती ज़्यादा है। तो इस रीज़न से उसको आटा गूंदने का वो ज़िद कर रही थी, तो मैंने उसको थोड़ा सा आटा दे दिया है, वो उसमें ही बिज़ी है। अब उसको ऑयल जैसे मैं करती हूँ सेम टू सेम प्रोसेस वो कर रही थी। सो इट्स ऑलवेज गुड टू कीप हर बिजी इन समथिंग। तो आर्या को मैंने थोड़ा सा चूड़ा दिया था खाने के लिए, स्नैक एज ए स्नैक, खाना खाने के पहले, क्योंकि वो नहा धो के ना उसको थोड़ी भूख लगती है, तो घर में कुछ फ्रूट्स नहीं थे तो फिलहाल मैंने उसको वो एज ए स्नैक दे दिए। और देखिए उसका टैंग का बॉटल यहाँ रखा हुआ है, तो इसमें हमेशा टैंग भर के उसको दे देती हूँ, वो पीती रहती है दिन भर, टैंग या पानी जो हो गया ना मैं इसी में दे देती हूँ। इससे ये फ़ायदा होता है कि वो गिरता नहीं है कहीं पर भी, एंड ईजिली आप उसको कैप लगा के रख दो तो वो सेफ रहता है। और मैं यहाँ बना रही हूँ लस्सी, क्योंकि दही रखी हुई थी तो मैंने कहा क्या बनाया जाए, क्योंकि मुझे सर्दी भी काफ़ी है, तो मैं ठंडा तो नहीं पीऊँगी, मेरे हबी को मैं चिढ़ दूँगी। और आर्या नहीं पीती है, पहले आर्या दही खा लेती थी बट पता नहीं क्यों आजकल उसका मन नहीं होता है दही खाने का। सो ये देखिए मस्त क्रीमी सी लस्सी रेडी हो गई है, तो मैंने ज़्यादा पानी नहीं डाला क्योंकि हम दोनों को ही पीना है, तो मैंने एकदम कम पानी डाल के बनाया है इसको। वैसे भी लस्सी तो गाढ़ी ही अच्छी लगती है पीने में। तो ये मैंने अपना ग्लास रख दिया है बाहर, और हबी के लिए मैंने उसको फ्रिज में रख दिया है बाकी की बस जो लस्सी है बची हुई।
खाना खाने के बाद देखिए आर्या ये क्या कर रही है, अपना खाना डाइजेस्ट करने के लिए वो साइकिलिंग कर रही है, अपना फेवरेट कार्टून देख रही है। हमारा लंच हो चुका है और इवनिंग में हम गए हैं मॉल, हमें मैं कल बताया था वीडियो में हमें वॉशिंग मशीन देखना है, तो हम लोग रिलायंस जा रहे थे क्योंकि लाइफस्टाइल में मैं आई थी कुछ कपड़े देखने के लिए, मुझे कुछ कपड़े बाय करना है मेरी नीस के लिए। मैं जस्ट चेकआउट कर रही थी और मेरी बेटी मुझे बोल रही है मम्मा आप अपना हाथ धो ना मुझे, ये मॉल जाके बहुत मस्ती करती है, बिल्कुल सुनती नहीं है लड़की मेरा कहना। तो ऐसे तो बाहर से भी रास्ता है वहाँ जाने का, बट अब लाइफ स्टाइल से अगर जाते हैं ना तो जस्ट रिलायंस के सामने ही आपको मतलब उसका वे निकलता है। तो रिलायंस पहुँच चुके हैं, हमें मेरे हस्बैंड काफ़ी क्लियर रहते हैं चीज़ों को लेके, जहाँ जाना है वो पहले वहीं जाते हैं। और देखिए आ रहे हो कितनी प्यास लगी है, और जहाँ ये छोटा बॉटल देखती है ना उसको इसी में पानी पीना होता है। और ये इतनी मस्ती कल कर रही थी ना आप यकीन नहीं मानेंगे फ्रेंड्स, बहुत मस्ती कर रही थी। और ये फाइनली हमने वॉशिंग मशीन बुक किया है, ये काफ़ी अच्छी वॉशिंग मशीन है, काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस है इसमें, अब देखते हैं आने के बाद यूज़ करने के बाद समझ आएगा कैसी है। आर्या टहल टहल के घूम घूम के पानी पी रही है, और यहाँ पे काफ एंड फेबर के जो कुकटॉप्स हैं चिमनीज हैं, तो मुझे तो काफ का ये कोई नया ब्रांड आया है, इट्स मेड इन इंडिया है ये, और बट मुझे फेवर का जो काफ़ी अच्छा लगा, ये तो कंसील वाले हैं तो ये तो काफ़ी लेकिन एक्सपेंसिव भी काफ़ी है, लेकिन क्वालिटी इज़ रियली गुड। जो मुझे पसंद आया था वो ये नहीं है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ, दिस वन आई लाइक, ये 8000 का उतना एक्सपेंसिव भी नहीं है बट इट्स वर्थ द मनी। ये देखिए इसमें ऐसे दिया हुआ, फैन आप चलाते हैं ना तो इससे हवा अंदर नहीं जाएगी और गैस भी बाहर नहीं आएगा। ये नॉर्मल वाले जो हम यूज करते हैं लेकिन ग्लास के साथ में दिया हुआ, ये देखिए आप टाइम देख सकते हैं इसमें रस्ट, वो जो था वो रस्ट फ्री है, जो ये है ना ये रस्ट फ्री है, इसमें जंग नहीं लगेगा, उन्होंने कुछ बताया था। वॉशिंग मशीन काफी अच्छी है, थोड़ी बड़ी है जो मेरी जो लास्ट वॉशिंग मशीन से बड़ी मशीन मेरे साथ ली है, काफी अच्छे फंक्शन है इसमें, तो अब मैं नए कपड़े नए मशीन में कपड़े दूंगी अपने। तो मेरी बेटी की प्यास ही नहीं बुझ रही है, वो 2-3 बॉटलें पी चुकी है, और अब मैं इस वीडियो को ही एंड करती हूँ दोस्तों, आपसे कल मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ एक नए व्लॉग के साथ। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर एंड डू ऑल्सो कमेंट आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं। टिल देन गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, बी होम।